ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और उन सबके लिए है जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी के जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो कैंसेरियंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। पहले देखते हैं जो भी देख रहा है। थिंकिंग मैन, इसका मतलब है समथिंग इज़ कमिंग अप, ठीक है। आपकी सोच से भी कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है और एनीथिंग यू नो कि आप किसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं और अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, काम से रिलेटेड और यू नो जॉब स्विच और चेंज, यू नो फैसला आपके हक में हो रहा हो, आपके फेवर में कुछ चीज़ हो रही है और आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो वो एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। लाइक थिंकिंग मैन, ओके, थिंकिंग अबाउट समथिंग हो सकता है लाइक आपके माइंड में हो बट ऐसा हो, आउटकम ऐसा नहीं सोचा, तो वो चीज़ हो सकती है। चलिए, और मे बी गेटिंग टू नो समथिंग कैंसेरियंस के लिए अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट्स फाइंड आउट। ओके, नो टॉक्स, नथिंग। फोर ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है स्लीप मोड, ठीक है, टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है, देखिए, देयर इज़ अ फायर विद इन यू, ठीक है, और आप ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी यू वॉन्ट टू टॉक टू योर पार्टनर बट आपको डर लगता है, या हो सकता है कि देयर आर पीपल इन्वॉल्व, ये चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक Somebody is there, मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन ये दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और हो या दे आर लाइक यू नो आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो स्टिल वेटिंग। मुझे ऐसा लगता है कोई नया पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कैंसेरियंस, या आपकी लाइफ में कोई और न्यू पर्सन है एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर अ पास्ट पर्सन, यू नो आप स्टिल पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो ये एनर्जी हो सकती है कैंसेरियंस आपके लिए। वेयर इज़ दिस हेडिंग, आई थिंक जगलिंग, एक जगलिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सेवन ऑफ कप्स, इसका मतलब है माइंड जो है वो वॉन्डर करता है कि नहीं इनको रीच आउट करें कि नहीं, या बात करें कि नहीं, यू नो रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं कि नहीं, वैसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए। तो वॉन्डरिंग वाली एनर्जी, जगलिंग वाली एनर्जी, और अभी यही दिखाई दे रहा है। मून साइलेंस, ठीक है, और शेडी, और हो सकता है आप इमोशनल रोलर कोस्टर, यू नो कि क्यों है, कैसे है, क्या है, या टेकिंग अगेन टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, वही एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कैंसेरियन के लिए। और हो सकता है कि देखिए देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप बट प्रॉब्लम इज दैट मे बी यू आर नॉट डिसाइडिंग। शादी के कार्ड्स आ रहे हैं फॉर सिंगल, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग कि क्या इनको चुने या इनको चुने, ऐसी वाली एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में ये हो सकता है, या पार्टनर में यू नो आपको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जी कैंसेरियंस के लिए आने वाले टाइम में हमें दिखाई दे रही है। चलिए, ओके, अब हम आपके करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, करियर वाइज अगर हम कैंसेरियंस की बात करें तो ये जो हफ्ता है आने वाला कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। स्टेबिलिटी, वाओ, मनी वाइज बहुत अच्छा ये हफ्ता दिखाई दे रहा है। थिंग्स आर हैपनिंग द वे यू वांट, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, एंड इट्स गुड फॉर यू, यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, हैप्पी रहेंगे। कोई प्रोजेक्ट्स पिकअप करने हैं तो वो भी आप इजिली कर लेंगे, ओके, एंड पिकिंग अप न्यू थिंग्स एज वेल और न्यू प्रोजेक्ट्स, बट अच्छा दिखाई दे रहा है हफ्ता ओवरऑल, एक प्रॉस्पेरिटी वाला यू नो वीक दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी करियर में चेंज हो रही हैं जो आगे चल के इन द विंटर टाइम्स आपके लिए अच्छी फेवरेबल हो सकती हैं, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। लाइक इट मे लीड यू टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस, आपकी खुशी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कंटेंटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गुड एनर्जी कैंसेरियंस। ओके, सो अगेन आने वाले जो पीरियड हैं, आने वाले जो मंथ्स हैं, वो आपके लिए फेवरेबल आउटकम आपको देखने को मिल सकता है। सो करियर वाइज ये हफ्ता, मनी वाइज पहला ही कार्ड आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि मनी स्टेबिलिटी कमिंग योर वे। क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए, चाहे उनकी रिलेशनशिप है या करियर, लेट्स फाइंड आउट।
सो रिलेशनशिप वाइज और करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे एक एनर्जी है, दैट मीन्स इट्स अबाउट थिंग्स आर लाइक यू नो गेटिंग डिलेड. ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर्स हैं कंप्लीट हो रहे हैं और अ साइकिल कंप्लीटिंग, ठीक है, एंड देन यू आर स्ट्रगलिंग. वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, इट्स लाइक अ स्ट्रेस. कुछ चीज़ें हैं यू नो जो स्ट्रेस कॉज कर रही हैं, या तो आप रिजिस्ट कर रहे हैं या आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं दैट इट्स डन और मे बी इट्स गॉन. या हो सकता है यू आर वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स, ठीक है, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हैप्पी एनर्जी में नहीं है, इसलिए डिले हो रहा है, इसलिए क्योंकि आप लेट को नहीं कर रहे, आप हैप्पी नहीं हैं, तो इसलिए चीज़ें वो यू नो थम सी गई हैं. एंड ऑन द करियर पार्ट गाइडेंस यही है कि यू नो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर. जब आप ये छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग, तो वो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बड़ी जल्दी मिलेंगे. अगेन मैं बता रही हूँ आपको कि फेवरेबल पीरियड आने वाले टाइम में हो सकता है कैंसेरियन के लिए, बट द थिंग इज़ दैट यू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. ओके, और सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना यू नो पर्पस है इन लाइफ. सो वॉट्स योर, आपको सिर्फ वही देखना है. सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर.